बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल हाफिज़ फूड एंड रेसिपीज़। आज मैं आपको बताऊंगी कि अचारी मैक्रोनी कैसे बनाते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको बताती चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज की रेसिपी ये है कि अचारी मैक्रोनी कैसे तैयार की जाती है। अचारी मैक्रोनी की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चिकन 300 ग्राम, प्याज बड़ी एक अदद, अदरक पेस्ट एक खाने का चम्मच, लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, दही डेढ़ कप, कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 4 अदद, नमक एक खाने का चम्मच, मैक्रोनी एक पैकेट, अचारी मसाला एक पैकेट। अब अचारी मैक्रोनी बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले पानी को उबाल लें नमक डाल के। पानी उबल रहा हो तो उसमें मैक्रोनी को डाल दें और मैक्रोनी को सिर्फ 5 से 7 मिनट तक उबालें कि उसमें एक ही रह जाए। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा गली हुई ना हो, उसमें थोड़ी सी कमी रह जाए। उबालने के बाद छलनी से गर्म पानी गुजार दें। गर्म पानी गुजारने के बाद मैक्रोनी के ऊपर से ठंडा पानी गुजारें और मैक्रोनी में एक चम्मच ऑयल मिलाकर एक तरफ रख दें। अब एक फ्राई पैन में तेल डालकर उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लें। फिर उस तेल में प्याज लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट एक साथ डालें और 1-2 मिनट के लिए फ्राई करें। अब उसी ऑयल मसाले वाले ऑयल में चिकन और अचारी मसाले का साशे डालकर मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएं। अब उसमें 1 कप पानी डालकर उबाल आने तक रख दें। फिर मज़ीद से 2 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें 1.5 कप दही और कटी हुई हरी मिर्च डालकर तेज़ आंच पर पकाएं और अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। अब इसे उतार कर गरम पास्ता के साथ पेश करें। नाज़रीन, हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफज़ाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।